कि अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सेलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारशात देंगे। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बताते चले कि रमीर राजा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर फूट पड़े। दोस्तों आपको बताते चले कि रमीर राजे का कहना है कि मोहम्मद आमिर को क्यों वापस टीम में लेके आ रहे हो, वो फिक्सर है, अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं उसको वापस लेके ना आता, अगर वो मैच फिक्स करता तो। आमिर एक फिक्सर है, उसको क्यों टीम में वापस लेके आ रहे हो। रमीर राजे के इस बयान ने आमिर के फैंस को काफ़ी नाराज़ कर दिया और परेशान कर दिया।